Hi, this is Prashant Narayanan and you're watching IndiaGlitz.com. Today I've come here because it's my friend Rajendra Shivv's first film which is coming out. And I'm unfortunately not doing any role in this, but then I've come here to wish him all the luck and with prayers that, you know, it all does well, because I think he's a phenomenal music director and I'm eagerly waiting to see how he's directed a movie. Yeah, generally I don't do too much of work in any case. I'm also heavily into music and all that, so I make a lot of music myself and I have my own studio where I'm working on for all these things. And apart from that, I'm doing this movie, one with a Malayalam movie with Manisha Kurala, so we're kind of waiting for her to come back. And then I'm doing one Tamil film which I've just finished, and then I've got a then I'm doing one movie with Govinda called Avatar, and then there's Dishkiyao, and then Main Anna Nahi is going to release very soon. So yeah, there's a lot of interesting stuff which I'm doing, which but then I guess I do it like very less. So yeah, I mean, there is a lot of romance and there's a lot of soul in it, and I make Hindi songs. And yeah, it's coming out. My album is going to be coming out soon. It's called Kam Sutra. It's called KALMSUTRA. So which is supposed to keep you pretty calm about life, you know. So it's like very, it's got a very melodious old school kind of songs. And yeah, it's good actually. I'm enjoying myself. Very acoustic guitars and all that. So. Yeah, 100%. मेरे को ऐसी फिल्म करनी थी जो मुझे जल्दी मतलब फिल्म मैं कंप्लीट करूं, एंड जो स्क्रिप्ट मुझे चाहिए थी उस टाइप की स्क्रिप्ट है, और जितने टाइम में मैं बना पाया उसमें मतलब जितना मैं कर सकता था मैंने किया, एंड इससे आगे मतलब और अच्छा कुछ करेंगे। हां, लेकिन वो सब परफॉर्मर है, आपको ऐसा लगेगा नहीं फिल्म देख के कि ये इनकी पहली फिल्म है, या हालांकि सबकी एक दूसरी फिल्म है ये। राजेश शिंगारपुरे ऑलरेडी बहुत अच्छा एक्टर है, कश्मीरा जी को आप जानते हैं पिछले 15 साल से, एंड हेजल क्राउनी, उसने ऑलरेडी यू मी एंड हम एंड फ्लैट काफी फिल्में कर चुकी है, तो सबने अच्छा काम किया है। नो आइटम सॉन्ग मतलब स्क्रिप्ट में नहीं था, बट हाँ 70s लेट 70s का एक फील वाला सॉन्ग है इसमें। इस फिल्म में यही है कि आपको मतलब कुछ नया देखने मिलेगा, म्यूजिक बहुत अच्छा है फिल्म का, एंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है फिल्म की, और सारी चीजें सब अचानक अचानक हो रही है इसमें। अमित जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड हम लोग फिल्म के म्यूजिक के दौरान ही मिले थे, और इन्होंने अपनी जो स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी थी उसको मतलब ये तो बता चुके हैं कि स्क्रिप्ट किस बारे में है, तो उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, बट ये जरूर बोलूंगा कि हाँ, इनकी स्क्रिप्ट सुनने के बाद मुझे लगा कि यार ये मेरी डेब्यू फिल्म हो सकती है। तो फिर हम लोग बैठे हैं उसके स्क्रीन प्ले को थोड़ा सा जो भी था हम लोगों ने बैठ के उसको चेंज किया है जैसा भी था, और बाकी डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे इन्होंने, और फिल्म बाकी टेक्निकल लेवल पे जितनी मैं जानता था उसमें मैंने एक कोशिश की अच्छी फिल्म बनाने की। ये मेरी सेकंड फिल्म है अमित जी के साथ, और राजेंद्र जी के साथ फर्स्ट फिल्म है, और राजेंद्र जी जितने अच्छे डायरेक्टर है, जितने प्रोड्यूसर अच्छे हैं, उतना ही मजा सेट पे करते थे। हर सीन हमें अच्छी तरह से बताते थे, क्योंकि ये राइटर रह चुके हैं इस फिल्म के, तो ही वुड कम एंड एक्सप्लेन टू अस एग्जैक्टली कि ये लाइन का मतलब ये कर दोगे तो इसका मतलब ये निकलेगा, ये ऐसे मत बोले इसको ऐसे बोलो, याद है ना। I play quite a shady character who has a few moral issues, quite different from what I've played before, bit of a drinker, party animal, interesting.